पानी 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 लावे, पानी की बोतल इधर दे। मालिक मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दीजिए। मालिक मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। मालिक मुझे पानी पीने के लिए दे दो। अच्छा तुझे पानी पीना है, ले तुझे अभी पिलाता हूँ। पागल हो गया जमींदार, तुझे शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान पानी का होता है, पानी पिलाने की जगह तू उस पानी का मजाक बना रहा है। सुन लड़की, आज तक मेरे पर किसी ने हाथ नहीं उठाया है, जिसने भी हाथ उठाया ना मैंने उसके हाथ कटवा दिए हैं। सुन लड़की, जिस तरह से तूने मेरे पर हाथ उठाया ना, अगर मैं चाहूँ तो तेरे को अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं ना तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। चलो रे आओ। बेटी तूने ये क्या कर दिया, उस जमींदार पर हाथ उठाया है, तू उसके बारे में नहीं जानती, वो कितना खतरनाक है। हेमराज इंसान को एक बार मारते हैं और ये जमींदार इंसान को तड़पा तड़पा के मारता है। पिताजी आपने देखा नहीं, वो जमींदार आपके साथ कैसा सलूक कर रहा था, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, तू उससे माफ़ी मांग ले, नहीं तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। पिताजी माफ़ी उससे मांगी जाती है जो माफ़ी के लायक हो, मैं उससे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप चिंता मत करो, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। तेरे बहुत हाथ चलते हैं, आज तुझे पता चल जाएगा हमारे मालिक पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिक चिक के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और उनसे ये कहूंगी कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे थे, फिर उसका अंजाम तुम जानते हो कि क्या होगा। शायद तू इस दुनिया के बारे में नहीं जानती है, ये दुनिया अंधी बहरी और गूंगी है। ये दुनिया देख तो सकती है लेकिन कुछ कहेगी नहीं, और सुन भी सकती है लेकिन कुछ बोलेगी नहीं। देखते क्या, उठा लो उसको, ले चलो जमींदार के पास। छोड़ दो मेरी बेटी को, कहाँ ले गए यार ऐसे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, बचाओ, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जमींदार साहब उठा लाया हम इसको। तुझे पता है ये खून मैंने क्यों निकाला है? जिस टाइम तूने मुझे थप्पड़ मारा था मेरा इतना खून जल गया था, इसलिए मैंने ये खून अपने हाथ से निकाल दिया। मगर हाँ अब तुझे पता चल जाएगा मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है। जमींदार दो चार कुत्ते रख लेने से तू अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सोने की लंका जलकर राख हो जाए जिसपे तू इतना गुमान करता है। पता नहीं तुझे बनाने वाले ने किस मिट्टी से बनाया है, तुझे मेरा बिल्कुल खौफ नहीं है? अगर मैं चाहूँ तो इस एरिया में मेरी गैर मर्जी के कोई परिंदा अपना पर भी नहीं ला सकता। तुम ठीक कह रहे हो मालिक, पता नहीं इसे कौन सी मिट्टी से बनाया है, ये बोलती बहुत ज्यादा है। देख लड़की तेरे पास एक ऑफर है, अगर तू चाहे तो तेरी इस गरीबी से तुझे जिंदगी भर का छुटकारा दिला सकता हूँ मैं। जमींदार सीधे सीधे बोलना कि तू मुझे खरीदना चाहता है। अरे वाह तू तो बहुत समझदार है, हर बात को बताने से पहले ही समझ जाती है। तू अपने इस ऑफर में आग लगा ले, समझ गया? लड़की तेरी जुबान कुछ ज्यादा चलती है, शायद तू मेरी ताकत को नहीं जानती अभी। तू बस गरीबों को ही सता सकता है, यही तेरी ताकत है, समझ गया तू? छोड़ दो इसको और जाने दो, मैं भी देखता हूँ इस शहर में ये कैसे जिएगी, क्योंकि मैं ना इसे अब तड़पा तड़पा के मारूंगा। मालिक आपने तो इसे आसानी से जाने दिया, हम तो बहुत मेहनत से पकड़ के लाए थे इसे। तू इतना भी नहीं जानता, पहले सांप को मारते हैं तो उसका पहले मुंह कुचलते हैं, अब ये लड़की इस शहर में जिएगी तो सही, वो भी हमारी मर्जी से, क्योंकि
इस शहर में मैं सबसे मना कर दूंगा, इस लड़की को कोई भी राशन नहीं देगा। अगर किसी ने राशन दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बेटा पहले तू ये बता, तुझे वो गुंडे उठाकर क्यों ले गए थे? पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। पिताजी आप चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेंगे हमारा। अरे सुनो, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, तुम्हारी यहाँ आज के बाद कोई जरूरत नहीं है। सर आपको तो पता है कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करती हूँ, फिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हो? ये भट्टा हमारा नहीं रहा, किसी ने दुगने पैसे देके खरीद लिया है। मालिक आप मुझे बता दीजिए ये भट्टा किसने खरीदा है? मैडम ये भट्टा हमने खरीदा है, आ गई समझ में? जमींदार तू? लड़की अब तुझे पता चला मेरी पावर का? मेरी कितनी पावर है? मैं सब समझ गई कि तूने ये भट्टा क्यों खरीदा है। तू बहुत समझदार है, समझाने से पहले ही समझ गई। जमींदार अपने पैसों पर इतना घमंड दिखाना सही नहीं है, लेकिन जमींदार तू चिंता मत कर, ये भट्टा ज्यादा दिन तक तेरे पास नहीं रहेगा। भैया मुझे 10 किलो आटा और कुछ राशन दे दीजिए। बहन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। क्योंकि जमींदार का कहना है तुम्हें सामान दिया तो, और हम तुम्हें जान से मार देंगे, और मैं तुम्हें सामान देकर जान से नहीं मिलना चाहता। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। ठीक है भैया। अरे भैया जरा सुनना। चल निकल यहाँ से। देख ली तूने मेरी पावर कितनी है? इस शहर में तुझे मेरे डर के सामने किसी ने राशन भी नहीं दिया, इतनी पावर है मेरी। जमींदार तू चिंता मत कर, ये तेरा खौफ और घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज तू मुझे सुना रहा है, कल मैं तुझे सुनाऊंगी और तू सुनेगा। कहीं यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं ये हकीकत है। नहीं नहीं जमींदार ये ख्वाब नहीं हकीकत है। क्या करूं, आज तो मेरी एक भी चाय नहीं बिकी। अगर एक भी नहीं बिकेगी तो इसका खर्चा कैसे निकलेगा? अरे वाह, तूने तो अभी चाय का भी काम शुरू कर दिया, इसमें इनकम तो अच्छी हो जाती होगी। चाय पियोगे क्या? चल एक चाय पहले मुझे पिला के दिखा। मालिक ये तुम क्या कह रहे हो, इसका क्या पता है इस चाय में इसने जहर मिला दिया हो? ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। तुम चिंता मत करो, चल एक चाय दे मैं अभी पीकर देखता हूँ।
तुझे क्या लगा हम तेरे गंदे हाथों की चाय पियेंगे? चलो अब चलते हैं। हाँ तो भाई लोगों, इस भट्टे की कीमत रखी गई है 50 लाख। जो भड़के बोली लगाएगा उसका भट्टा हो जाएगा 70 लाख। हाँ तो भाई लोगों, 70 लाख 1, 70 लाख 2, 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 2, 90 लाख। हाँ तो भाई लोगों, 90 1, 90 2, 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। करोड़ 20 लाख। अब इससे भी ऊपर कोई बोली लगाएगा तो मैं उससे भी ऊपर लगाऊंगी। अब है कोई? मैं लगाऊंगा इससे बढ़कर बोली। 1 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3। क्यों जमींदार, अब तुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि मुझसे नजर उठा के बात कर सके? अब मुझे माफ कर दो, मुझे ज्यादा जलील मत करो। मैंने जैसा किया था उसकी सजा मुझे मिल गई। मैंने क्या कहा था जमींदार कि एक दिन मैं बोलूंगी और तू सुनेगा? देख आज वही दिन है, मैंने तेरा ये भट्टा खरीद लिया